रविवार आधी रात के बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। सीजन में पहली बार उत्तरी मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में घना कोहरा छा गया। इस दौरान भोपाल में सुबह 6 बजे विजिबिलिटी दृश्यता शून्य पर पहुंच गई। कोहरे का असर उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनों और हवाई यात्रा पर भी पड़ा है। दिल्ली से आने वाली अधिकतर ट्रेन देरी से चल रही हैं। भोपाल एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट लैंड नहीं हो पा रही हैं। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए ग्वालियर में स्कूलों की 4 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। फ्लाइट लैंड नहीं हुई। भोपाल शहर सहित एयरपोर्ट पर शून्य विजिबिलिटी के कारण कई फ्लाइट लैंड नहीं हो पा रही है। शनिवार से शुरू हुई हैदराबाद फ्लाइट 1 घंटे तक हवा में चक्कर लगाने के 9 बजे के करीब लैंड हुई। इसी तरह दिल्ली और मुंबई से आने वाली उड़ानें भी काफी देर तक हवा में चक्कर लगाने के बाद लैंड हो सकी। ग्वालियर में स्कूलों की छुट्टी, कड़ाके की सर्दी और आने वाले दिनों में ऐसा ही मौसम की संभावना को देखते हुए ग्वालियर में स्कूलों में 4 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। रविवार रात कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में 7 से 10 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। ये आदेश निजी और CBSE स्कूलों पर भी लागू होगा। ड्यू पॉइंट तापमान की वह अवस्था जिस पर हवा में मौजूद जलवाष्प संतृप्त होकर संघनित होना शुरू करती है। हवा में जलवाष्प की कुछ मात्रा मौजूद रहती है जिसे आर्द्रता या नमी कहा जाता है। हवा में जलवाष्प की यह मात्रा ताप और वायुदाब पर निर्भर करती है। एक निश्चित वायुदाब और ताप पर हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा निर्धारित होती है।